I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. अरे तो रो क्यों रही है? ये तो अर्जुन का नाटक था. नाटक था? लड़कियों के साथ नाच रहा था, गा रहा था, और आप कहते नाटक था? ये नाचना गाना ही तो उसका नाटक था मेरे लिए, मुझे जलाने के लिए, मेरी असलियत जानने के लिए. आपकी असलियत? मैं बहुत दिनों से उसके साथ नाटक कर रहा हूँ. अल्बर्टो डिकॉस्टा रॉड्रिक बना हुआ हूँ. एक बेटी, ना मैं अल्बर्टो हूँ ना रॉड्रिक हूँ, मैं तो उसका दद्दू हूँ. दद्दू? मैं उसका दादा हूँ, उसकी माँ हूँ, उसका बाप हूँ, मैं उसका सब कुछ हूँ. वो मेरे बुढ़ापे की लाठी, मेरे कलेजे का टुकड़ा है. तो फिर आपने ये सब कुछ क्यों किया? बेटी वो बहुत भोला है, इस दुनिया की ऊंच नीच को नहीं समझता है. मैं उसे दुनिया दिखाना चाहता था, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता था. हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन इस दुनिया में रहना है तो जुदाई की आदत डालनी ही पड़ती. फिर मैं और कितने दिन जीऊंगा? मगर बेटी अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा बच्चा दुनिया समझ गया है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है. अब मैं तुझे और उसे लेकर फौरन गांव जाऊंगा और धूमधाम से तुम दोनों का ब्याह करूंगा. जो घर अर्जुन के बगैर सूना पड़ा है वो तुम दोनों के आने से फिर से बच जाएगा. जीती रहो पूनम दीदी. पूनम दीदी, पूनम दीदी, वो जो होटल में काम कर रहा लंबा लंबा था, क्या हुआ? वो बस के नीचे आ गया. मेरा बच्चा, मेरा बच्चा. ये आपकी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू. देखो बेटे, जिंदगी में हर मजाक कर लेना, लेकिन इस बूढ़े से फिर कभी ऐसा मजाक न करना. लो कर लो बात, बूढ़ा मिस्टर अल्बर्ट डिकॉस्टा रॉड्रिक्स, अभी तो आप जवान हैं. और आप इस घर में क्या कर रहे हैं? आपके कदम यहां भी आ पहुंचे? सुनो पुन्नो, मेरे दद्दू कहते हैं एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती. या मिस्टर अल्बर्ट डिकॉस्टा रहेंगे या हम रहेंगे, फैसला कर लो. जी जी जी, कैसी बातें कर रहा है? मैं तो तुम्हारा दद्दू. दद्दू? कैसा दद्दू? कौन सा दद्दू? मुझे तो सिर्फ कद्दू मालूम है. ये दद्दू क्या होता है? अब बस भी कर बेटे, तू जीत गया मैं हार गया, बस. तो तुम सैन फ्रांसिस्को अल्बर्ट कॉन्टिनो डिकॉस्टा रॉड्रिक्स नहीं हो? उसे तो तूने बस के नीचे कुचल कर मार डाला. मैं तुम्हारा दद्दू हूं. और वो शराब? किस उल्लू के पट्टे ने कभी पी है? मैं तो गंगा जल में जलेबी का रंग मिलाकर पीता रहा. बेटे कई दिनों से ये बूढ़ा अपने ही नाटक की आग में जल रहा है. आप मेरे गले लग जा, ए, मेरे बच्चे मेरे गले लग जा, बस एक बार मेरे गले लग जा. दद्दू, मैं किस आग में जलता रहा ये तुमने कभी सोचा? आते ही तुमने शराब मंगवाई, लड़की मंगवाई, मैं तो रात भर नहीं सो सका, बस सोचता रहा, रोता रहा. गांव में जब मुझे छींक आती थी तो तुम वहां के सारे डॉक्टर, सारे हकीम बुलवा लेते थे, सारा गांव बुलवा लेते थे मेरे बच्चे. लेकिन यहां तुमने मेरी खबर तक नहीं ली. फिर मैंने भी कसम खा ली कि अगर तुम मेरे बाप के बाप हो तो हम भी तुम्हारे पोते हैं. दद्दू, हम तुम्हें अपना दद्दू मनवा के ही रहेंगे. तुमने हमें बहुत सताया दद्दू, बहुत रुलाया. वो तो इसलिए कि कोई दूसरा तुझे न सताए, दुख न दे. अब चलो गांव वापस चलते हैं. मैं गांव से खाली हाथ आया था, मगर अब बहू को साथ लेकर जाऊंगा. नहीं दद्दू, अभी थोड़ी देर है. क्यों, देर किस बात की? पापी ने कहा था ना, जिसका नमक खाओ उसकी नमक हलाली करो. मेरे मालिक की जान खतरे में है, जब तक उसके नमक की कीमत अदा नहीं करता मैं यहां से जाने वाला नहीं. अगर ये बात है तो हम भी तुम्हारे साथ हैं. कौन हो तुम?
क्यों नहीं आती? राजा अब तक जिंदा क्यों है? इसलिए कि मैं उसे नहीं मार सकती और नहीं उसे मारूंगी। यह सौदा मुझे मंजूर नहीं है। राजा तो अब तुम्हारे हाथों खत्म होगा, वरना बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। यकीन नहीं आता? जरा मुड़ कर देखो। मम्मी, ले जाओ इसे वापस। देखा, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। वापसी का कोई चांस नहीं। तुम हमारा काम कर दो, हम इसे छोड़ देंगे, वरना ये मारी जाएगी, इसके साथ राजा भी, और सारा इल्जाम तुम पर आएगा। बोलो, मंजूर है? गुड। नमस्कार मिस निशा जी, राजा बाबू ने आपके लिए ये फूल भेजे। राजा बाबू नहीं है जी? नहीं, राजा बाबू को अचानक 401 बुखार हो गया, इसलिए वो नहीं आ सकते। 401 बुखार? ओ, मेरा मतलब है 104। क्या बात है, आप तो दुखी हो गई। राजा बाबू के ना आने से आपकी पार्टी का मजा किरकिरा हो गया। मेरा मतलब है कि इतनी शानदार पार्टी दी है आपने और अब वो बेकार चली जाएगी, है ना? बेकार क्यों जाएगी? पार्टी जरूर होगी। राजा बाबू क्या समझते हैं अपने आप को? दो पैसे क्या कमा लिए, दिमाग चौथे आसमान पर पहुंच गया है। और निशा जी, वैसे मुहावरा सातवें आसमान का होता है। शट अप प्लीज। अरे आप नाराज क्यों हो रही हैं? ये तो यूं ही मजाक कर रहा है। आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो बीमार नहीं। अरे आपकी दावत पे तो हम जल्दी चिता से उठकर चले आए। सब कुछ कह दिया या कुछ बाकी है? लो, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कोई जल्लाद मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा हो। बहुत कुछ बाकी है अभी जिंदगी में, तो जीना बाकी है, जीने के बाद मरना बाकी है, बहुत कुछ कहना सुनना बाकी है। फिलहाल तो? फिलहाल तो क्या, रात बाकी, बात बाकी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है राजा बाबू अभी बहुत कुछ बाकी है। आप यहीं ठहरिए, हम पता लगा के आते हैं कि वो बाकी क्या है। और राजा बाबू अगर हम ना आए तो हमारे दद्दू को मत कुछ कहिएगा। अगर अर्जुन सिंह को कुछ हो गया मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मालिक, मालिक, हमें कुछ नहीं हुआ। वैसे हो तो बहुत कुछ सकता था, लेकिन हमने होने नहीं दिया।
बच्चा है। ये देखिए, ये कौन है? मालिक क्रोकोडाइल, यानी कि मगरमच्छ की औलाद। पानी की तह में चाकू लेकर आपका इंतजार कर रहे थे, पहुंच गए हम, तो ये हमें आर समझकर हम पर चल बैठे। अब हमारी टांग इनके हाथ में और इनकी गर्दन हमारे हाथ। कभी ये हमारा पांव दबाए तो कभी हम इनकी गर्दन दबाए, कभी हम इनके ऊपर तो ये हमारे नीचे, कभी ये नीचे तो हम इनके ऊपर। इसी ऊपर नीचे में मालिक हमारा हाथ इनके चेहरे तक गया और हमने इनका लगाम उतार दिया। और हमने पूछा, क्यों भाई, कौन हो तुम, कहां से आए हो, पानी के जानवर हो या धरती के? तो ये चुप। और जैसे ही मालिक मैं इन्हें आपके पास आने लगा, तो न जाने इन्होंने कहां से एक गोली निकाली और उसके बाद ये चाल किसकी हो सकती है मालिक? ये तो ये नहीं, ये कैसे बताएंगे? इनकी आत्मा तो ऑलरेडी परमात्मा से मिल चुकी है। अब तो ये बात आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द, आपकी नूर नजर मिस निशा ही बता सकती है, क्योंकि मालिक ये जो पार्टी है ये तो आप ही की दी हुई थी। और यानी कि तो ये था तुम्हारा असली रूप? मेरी मौत की लकीर तुम्हारे हाथों में नहीं है। मैंने तुम्हें प्यार ढूंढा, जिंदगी तलाश की, लेकिन तुम बिल्कुल बिकाऊ पंछी निकली। जिसने खरीदा उसी के घोंसले को घर समझ बैठी। तुम बचपन से अब तक डूबते सूरज में मौत देखती रही हो ना, तो ये लो, लगा लो मौत को गले और इस खूबसूरत जिस्म से बदसूरत आत्मा को अलग कर दो। अगर ये काम तुम नहीं कर सकी तो मजबूरन ये काम मुझे करना पड़ेगा। राजा बाबू, शट अप! अब मैं तुम्हारी आवाज में सिर्फ मौत की हिचकी सुनना चाहता हूं। मुझे अपने मरने का गम नहीं है राजा बाबू, गम तो इस बात का है कि जिस आदमी को जिंदगी भर ढूंढती रही वो आप है और आपको पाते ही खो रही हूं। मैं जानती हूं आप मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जान की हिफाजत के लिए मैं आपसे अपनी जान की चंद दिनों के लिए भीख मांग रही हूं। लगता है तुम्हारा नापाक खून मेरे ही हाथों में ना लिखा है। मैं अपने नापाक खून से आपके हाथ नहीं रंगने दूंगी। ठहरा। अर्जुन सिंह, ये क्या गोलियां हैं मालिक? जो इनके पिस्तौल में थी हमने चुपचाप से निकाल ली, क्योंकि अगर हम नहीं निकालते तो इनके दिल के अंदर जो राज छुपा हुआ है वो कैसे निकलता? ये तो ऊपर चली जाती, साथ में उन लोगों का आता पता भी ले जाती जो आपको मारना चाहते हैं। देखिए मिस निशा, हमारे दद्दू कहते हैं कि पापी को मत मारो, पापी के दिल के अंदर जो शैतान बैठा हुआ है उसे मारो। आपके दिल के अंदर भी कुछ ऐसे शैतानों के नाम हैं जो हमारे राजा बाबू की जान लेना चाहते, उन नामों को आप बता दीजिए। आपके अंदर जो शैतान है वो खुद ब खुद मर जाएगा। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने तुम लोगों को देखा तक नहीं, सिर्फ आवाज सुनी, एक औरत की आवाज आती है। एक औरत की आवाज? हाँ। सुनिए अर्जुन सिंह, औरत की आवाज, और ये औरत सावित्री माँ के अलावा कौन है? मालिक, मालिक, न जाने क्यों जब भी आप माँ जी का नाम लेते हैं हमारे सर से लेकर पांव तक एक अजीब सी बिजली दौड़ जाती है। आप बिना सबूत के उनका नाम ना लें तो बड़ी मेहरबानी होगी मालिक। सबूत चाहिए तुम्हें? अच्छी बात है, ये सबूत, ये वो खत है जो मेरी जान पर हमला होने के बाद मुझे मिला था और जिसके पढ़ने के बाद तुम सारी कहानी खुद ब खुद समझ जाओगे। बोलो, कोई जवाब है? लेकिन मालकिन कैसे हो सकता है? आपको जरूर धोखा हुआ होगा। नहीं नहीं मेहता जी,
मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती हैं। मैंने खुद उसे देखा है, वो अब तक जिंदा है। आप पता लगाइए कि वो बचा कैसे। जी अच्छा। हाँ तुम गलत मौके पर आ गया ना। आप समझिए हम मर गए और आपका प्लान कामयाब हो गया है, मगर हमें जिंदा देखकर आपका प्लान चौपट हो गया। किससे हमारे जिंदा रहने का दुख जाहिर करेंगे ना? कौन है वो आपके जर खरीद गुलाम जो आपके एक इशारे पर हमें हमेशा मारने के लिए तैयार हो जाते हैं? बुलाइए उन्हें और कहिए कि अगर वो मटके बच्चे हैं तो हमारे सामने आए और खुलकर मुकाबला करें हमसे। बुलाइए। कैसी बातें कर रहे राजा? मैं और तुझे मरवाना चाहूंगी? एक माँ अपनी औलाद का खून कर सकती है? कौन माँ? किसकी माँ? मुझे सब मालूम है, आपकी असलियत का पता चल चुका है। अब और ढोंग रचाने की जरूरत नहीं। मेरी माँ मर चुकी है और मेरे पिता की मौत की वजह भी आप थी। अपने प्यार के जाल में फंसकर उनको मौत की नींद। यार तूने क्या कह दिया? तूने मुझे गाली दी है, मेरी वफादारी और तपस्या का अपमान किया है, नमक हलाली के मुंह पर तमाचा मारा है। अरे क्या यही दिन देखने के लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी? मेरे पति ने अपनी जान दे दी, मैंने अपना घर उजाड़ लिया, अपनी औलाद से रिश्ता तोड़ दिया। सिर्फ दौलत के लिए? मुझे आपकी सारी कहानी मालूम पड़ चुकी है। क्या कुर्बानी की है आपने और आपके पति ने? आपके पति भीम सिंह ने अपने बूढ़े बाप दशरथ सिंह का घर छोड़ दिया, गांव लखनपुर छोड़ दिया और आपसे शादी कर ली। क्यों? ताकि आप और आपका पति मेरे बाप की दौलत लूट सके। मेरे पति एक वफादार इंसान थे, मरते वक्त उन्होंने मुझसे वचन लिया, चाहे हमें अपनी औलाद कुर्बान करनी पड़े लेकिन मालिक के बेटे राजकुमार को बचा लेना, उसे उसका हक दिलवा के रहना। तुम्हारे लिए मैं अपने ससुर की नजरों में दोषी बन गई। उन्होंने मेरी औलाद मुझसे छीन ली, मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे ये वचन लिया कि कभी भूल कर भी मैं अपने बेटे को बेटा नहीं कहूंगी। सामने आ जा तो भी उसे पहचानने से इनकार कर दूंगी। सारी जिंदगी तेरे सहारे, सिर्फ तेरे सहारे जीती रही और आज हमारी कुर्बानी और त्याग को लालच का नाम देकर बदनाम कर दिया। जा बेटा जा, भगवान तुझे सुखी रखे। हम तो पैदाशे गरीब हैं, जिंदगी भर नौकरी करते रहे, हमें दौलत से क्या लेना देना? ये सारी जायदाद, सारी दौलत, सारे होटल, सब कुछ तेरा है। मैं आग लगा दूंगा ऐसी दौलत को जो मेरी मौत का कारण बने। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ बेच दूंगा, सब कुछ, एक एक चीज बेच दूंगा, सब कुछ बेच दूंगा। मां जी, अर्जुन राजा ही सारी जायदाद, सारे होटल बेचने वाला है। वो अपनी जिंदगी का दुश्मन बन गया है। उसे रोक ले अर्जुन, वो मेरी बात नहीं मानेगा, मुझसे नफरत करने लगा है। कुछ मत बिकने देना वरना कयामत आ जाएगी। अपने पति को दिया हुआ वचन मैं नहीं निभा सकूंगी। मैं तेरे पैर पर। अरे माँ जी, ये क्या कर रहे हैं? नहीं माँ जी, ये हाथ पांव छूने के लिए नहीं, सर पे रखकर आशीर्वाद देने के लिए। माँ जी, एक बार हमने आपसे कहा था कि हमारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई है। वो हमने अनजाने में कहा था माँ जी। हमारी माँ तो हमारे सामने खड़ी है। आपने अपने पति को वचन दिया था माँ जी, आज आपका ये बेटा आपको वचन देता है। हम कुछ नहीं बिकने देंगे माँ जी, हम कुछ नहीं बिकने देंगे माँ जी, मालिक को हम कुछ नहीं बेचने देंगे। आपकी कसम माँ जी, हम कुछ नहीं बिकने देंगे माँ जी, कुछ नहीं बिकने देंगे, कुछ नहीं बिकने देंगे माँ जी। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.